हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बचे हुए चावल यानी कि लेफ्ट ओवर राइस की आसान और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चावल की टिक्की बनाने के लिए हमने एक मिक्सी जार में लिए हैं 3 कप बचे हुए चावल यानी कि लेफ्ट ओवर राइस। तो हम इनको पीस लेंगे। साथ ही में हमने यहाँ पर ली है ब्रेड की स्लाइसेस, तो इन्हें तोड़कर हम मिक्सी जार में ऐड करेंगे। अक्सर जब घर में चावल बच जाते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करके फ्राई राइस या फिर जीरा राइस बनाते हैं, लेकिन ये बचे हुए चावल की एक नई आसान और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाती है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, हमने मिक्सी जार में 3 कप चावल के लिए ब्रेड की 8 स्लाइसेस को तोड़कर ऐड किया है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। तो हमने ब्रेड और चावल को मिक्सी जार में अच्छे से पीस लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 5 छोटी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है और ऐड करेंगे 1/4 कप हरा धनिया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। साथ ही में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला और ऐड करेंगे स्वाद अनुसार या फिर 1/2 टीस्पून नमक। नमक ऐड करते वक्त ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने पके हुए चावल लिए हैं और उसमें ऑलरेडी नमक है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने से पहले 1 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे ताकि मिक्स करते वक्त ये हाथों पर बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे टिक्की का शेप देंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से एक टिक्की बना ली है और बाकी की टिक्की भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो इस तरह से सारी टिक्कियां बना लेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे। टिक्कियों को सेलो फ्राई करने के लिए हमने 3 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसमें टिक्कियां ऐड करेंगे और इन टिक्कियों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो हमने इसे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। अब इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि टिक्कियों को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे और बाकी की टिक्कियों को हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो खाने के लिए तैयार है सिर्फ 5 मिनट में झटपट आसानी से बनी हुई चावल की टिक्की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आसान और यूनिक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।